आजकल हर महिला घर से बाहर निकलना चाहती है, काम करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। ऐसे में कामकाजी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। एनसीआरबी और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्क प्लेस पर यौन शोषण के मामले 7 साल में घटकर आधे रह गए हैं, यानी कि वर्क प्लेस अब सुरक्षित हो रहे हैं। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। देश में 2015 में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के 855 मामले दर्ज हुए थे। 2019 में 504 केस दर्ज हुए, 2020 में 485, 2021 में 418 केस दर्ज हुए, जबकि 2022 में सिर्फ 419 केस ही सामने आए। अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल और केरल की स्थिति देश में सबसे ज्यादा खराब है। 2022 के दौरान हिमाचल में सबसे ज्यादा 97 केस सामने आए, केरल में 83, महाराष्ट्र में 46 और कर्नाटक में 43 केस सामने आए। इसी दौरान मध्य प्रदेश में 5 और राजस्थान में 12 केस दर्ज हुए। वर्क प्लेस की बात करें तो यूपी में सिर्फ 6 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 2021 में यूपी में कुल 17 मामले सामने आए थे, यानी कि इन मामलों में एक साल में 300% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस बीच 14 राज्य ऐसे भी हैं जहां यौन शोषण का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। 2021 में भी 12 राज्य ऐसे थे जिनमें एक भी केस दर्ज नहीं किया गया था, जिनमें छत्तीसगढ़ 0 और बिहार में सिर्फ 2 मामले थे। आज महिलाएं काफी सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा कि वो अपने अधिकारों को अब समझने लगी हैं। दूसरा, महिला आयोग की तरफ से लगातार सख्ती होती जा रही है और सभी विभागों को बार बार ये कहा जाता है कि आपकी ICC कमेटी बनी है या नहीं बनी, अब आयोग को दें। तलब कर, हम तलब भी करते हैं और हमारा प्रत्येक जो भी कामकाजी महिला है उनसे हमारा कहना है कि किसी भी तरह का हैरेसमेंट आपके साथ हो रहा है, कोई भी तरह का, तो पहली आपकी जो इंटरनल कमेटी है उस कमेटी में आप अपनी बात रखें। अगर वहाँ आपका सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर आप आयोग आए, आयोग आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो इसमें अभी काफ़ी जागरूकता भी आई है और लगातार विभागों की हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई विभाग अगर आयोग आता है तो सबसे पहले हम उनकी ICC कमेटी को तलब करते हैं। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देश में 2022 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ यौन शोषण के 422 मामले दर्ज हुए। 2021 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यौन उत्पीड़न के 357 केस सामने आए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा वर्क प्लेस सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।